कॉटन मिल्स फाइनेंस्ड कलेक्शन, हर किस्म की मटेरियल भी दस्तियाब है। इंदौर कॉटन, अपोजिट पत्थर हाथी, नया बाजार, तीन खंडिल, रायचूर। रमेश ड्रेसेस लाया है रमजान का नया स्टॉक। जी हाँ, रमजान का नया खूबसूरत स्टॉक। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, जीरो साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। आदाब नाजरीन, एवन टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल एवन टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, एनएस बोसराज और रवि बोसराज की शानदार दावत इफ्तार। जी हां नाजरीन, शहर के महिला समाज ग्राउंड में दूसरे रोजे की दावत इफ्तार कांग्रेस के सीनियर कायद और AICC जनरल सेक्रेटरी NS बोसराज और कांग्रेस के यूथ लीडर रवि बोसराज की जानिब से तमाम रोजदारों को दावत इफ्तार और ताम का भी एहतमाम किया गया था। इफ्तार से खब तमाम सादात इकराम मशायखीन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए सभी को टोपी पहनाई गई और जलसे से खिताब करते हुए सज्जादा नशीन बारगाह खुदबे रायचूर हजरत सैयद शाह अशरफ रजा हुसैनी अल अशरफी साहब ने कहा कि ये हमारे शहर की तहजीब है, बल्कि कृष्णा तुंगभद्रा नदी की संगम की तरह यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम में एक भाईचारा है और ये दावत इफ्तार उसी तहजीब की एक मिसाल है। इसी तरह सैयद शाह अमीनुद्दीन खादरी अल बसरी साहब ने कहा कि ये दावत इफ्तार एक सेकुलरिज्म की मिसाल है, हमें चाहिए कि हम हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहें। इस दावत इफ्तार में सैयद शाह इनायतुल्ला खादरी कट्टा नवाजी, सैयद शाह अमीर पाशा खादरी, सैयद शाह नसीम अशरफ अल अशरफी, सैयद शाह हमीद अशरफ अल अशरफी के अलावा कई सादात इकराम मशायखीन के अलावा सियासी कायदीन, खासकर कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीवी नायक और कांग्रेस सीनियर कायद अब्दुल रसूल, नज़ीर अहमद पंजाबी, जावेदुल हक, अब्दुल करीम, असलम पाशा, जे साजिद समीर, अब्दुल वहीद, शिवमूर्ति, शांतप्पा जयना और श्रीनिवास रेड्डी, जी तिम्मा रेड्डी, अफजल नायक, मोहम्मद फेरोज हमराज, मोहम्मद शालम, मोहम्मद उस्मान, अकमल, इसाख, जुबेर के अलावा कई सियासी समाजी कायदीन और शहर के कई रोजदार भी मौजूद थे। इस जलसे की निजामत मौलाना फरीद खान ने की और NS बोसराज और रवि बोसराज ने तमाम रोजदारों का शुक्रिया अदा किया।
ट्रेन मुकम्मल कर लेकर वक्त का इंतजार करते हुए बैठना पड़ता है। लिहाजा आप तमाम हजरात से मैं माजरत चाहता हूँ कि इस रमजान मुबारक के मौके पर जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से इफ्तार पार्टी रखी गई है, इसकी तरफ से आपकी शिरकत पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और अपनी जगह देता हूँ। खुदा हाफिज। इस्तेफामत के साथ, इस्तेखलाल के साथ वही काम करें जिस काम की हमें अल्लाह पाक ने तालीम अता फरमाई। जैसे जमाने की कसम इंसान खसारे में है कि आज इंसान वाकई हर इंसान खसारे में है। आज हर इंसान को अपने आप का जायजा लेने की जरूरत है कि मैं कहां नुकसान में हूं, कहां फायदे में हूं। इस बात की जरूरत है कि हर आदमी अपने आप को टटोले और अपने अंदर की जो गलतियां हैं उसे दुरुस्त करे और जिन चीजों को अपनाना है, जो तरक्की के मराहिल को तय करना है, आज जो मराहिल को तय करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करे। हाजिर शहर गोसा कहा या नवी गोसा कहा, ये बात पिछले समय में नहीं आई कि रसूल साहब ने कहा कि हर जो भी है हाजिर काम मेरा पीते और ये गुस्सा नहीं आता। ये हम सब मिलकर एक काम करते हैं, दीपावली आती है तो हम भी मनाते हैं, वो भी मनाते हैं और दशहरा आता है तो उनके खुशियों में हम भी मिलते हैं। परवरदिगार आलम हमेशा रखे। परवरदिगार आलम इस बज़्म, इस महफिल, इस इफ्तार पार्टी के मेहमान जनाब एनएस गोसराज साहब को परवरदिगार आलम जज़ाए खैर अता फरमा, इसलिए कि उनकी दावत पर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। ये तमाम सज्जादान इकराम हाजिर हुए हैं, ये मशाइख़ निज़ाम हाजिर हुए हैं, ये उलमा इकराम, ये दानिश्वर, ये आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि ये शहर के सारे शहर के आप नुमाइंदा हैं, सब लोग यहाँ जमा हैं। एन एस गोसराज साहब के लिए हम जज़ा एहसान इल्ला एहसान, हमारे लिए उन्होंने ये किया है तो हम उनके लिए सिर्फ दुआएं खैर कर सकते हैं। परवरदिगार आलम उनकी मनोकामना को पूरी करे। परवरदिगार आलम दुनिया में उनका जो हिस्सा है, परवरदिगार आलम हुजूर सरवर कौनैन सरवना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोजा जो सुनता संदर्भ अत्यंत शांति नेमदी जनजतेली
त्यागद मनोभव बड़वे सहाय मन शुद्धीकरण एलू रजा संबंध बहुत देश एहतमाम किया गया है खाने का, इख्तियार का, नमाज का, दावत काम का, सब लोगों की तादाद में जो है माशाल्लाह के लिए रोजा साहब इख्तियार दिए सब इख्तियार ईद का सब मुसलमान थैंक यू थैंक यू हो दीपावली हो रमजान हो बकरीद हो मुहर्रम हो हमारे साथ किसी चीज़ की कोई नहीं सर हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे रमजान महीने का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसी महीना है पूरे दुनिया के मुसलमान रोज़ा रख कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, दुनिया में अमन और शांति बना रहे। ये महीना बहुत ही एक मिसाल है पूरे दुनिया में कि लोगों का जो सलामत रहे, रोज़ाना जो नमाज पढ़कर जो मुल्क का और पूरा दुनिया के आवाम को इससे एक शांति और अमन अमन का एक अहम मैसेज दें। मोहम्मद वफाद की जानब से जो इफ्तार पार्टी की गई थी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, अपनी तादाद के साथ ये इफ्तार पार्टी मनाया गया है। इन तमाम मुसलमानों की दुआ है कि तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता काम का इंतजाम किया गया था देश भर में दुनिया भर में विशेषकर हमारे देश में भारत में हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलके करने वाले को रमजान का क्या सुबह से शाम तक भूखे रहते पानी पीने पीते रमजान नमाज करके रोजा खुलने पर हम लोग सब लोग मिलके हिंदू मुस्लिम पहले से इफ्तार पार्टी देने का एक तरीका है पहले से देने का।
आशा भाई मैं भी हूँ। सलाम वालेकुम, आज की दावत पोस्ट साहब की है। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।